मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने प्रेस वार्ता कर 10 साल के संसदीय सफर को साझा किया। बताया कि 2009 से 2014 तक यूपीए सरकार में उन्होंने प्रयास तो बहुत किए लेकिन ज्यादा सफलता नहीं मिली, जबकि 2014 से 2019 के दौरान मोदी सरकार के आते ही विकास की गंगा बह निकली। करीब 1,00,000 करोड़ की योजनाएं उनके संसदीय क्षेत्र में ही आकार ले चुकी हैं। सांसद ने उपलब्धियों की सूची भी जारी की है। प्रदूषण को मुक्त करने की दृष्टि से मैं बराबर कोशिश करता रहा, पर मैं थोड़ा सा नाउम्मीद हो गया था। मुझे लगता था कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, परंतु मैं गडकरी जी का इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मैंने लगभग 1 महीने पहले उनको कहा कि सर ये काम नहीं हो पा रहा है, आपने इतने काम दिए हैं गंगा की सहायक नदियों को शुद्ध करने के, ठीक करने के, पर हमारी तरफ आपकी दृष्टि नहीं गई है। वो बड़े चैलेंज है, क्या कहूँ, मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं समझता था कि 150-200 करोड़ का ही प्रोजेक्ट हमको दे देंगे तो हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे, परंतु उन्होंने पूरा 682 करोड़ का प्रोजेक्ट स्वीकृत किया। तो ये सब बातें हैं, एक समाधान है, लेकिन देखिए विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बहुत काम बाकी है, बहुत काम हुआ है। इस सब काम को करते हुए हम आगे भी बढ़ते रहेंगे, आपका स्नेह सहयोग ऐसी मिलता रहेगा। मुझे इतना ही कहना, आगे आप कुछ पूछना चाहते हो।